हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है टैटू डिज़ाइन की वीडियो, इसकी पिछली वीडियो में जो मैंने टैटू डिज़ाइन की वीडियो शेयर की थी, आपने काफ़ी उसे पसंद किया और मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आया कि और भी टैटू डिज़ाइन की वीडियो शेयर करिए। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसे मैं लेके आ गई हूँ। एक बात और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, मेरे फ़ोन की कैमरे की सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिससे ब्राइटनेस कभी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कभी एकदम लो हो जा रही है, तो बिल्कुल अंधेरा हो जा रहा है। इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये है पहली टैटू डिज़ाइन की वीडियो। आप इस टैटू को अपने पैरों पे, एंकल लेंथ पे, रिस्ट पे, अपने बैक टू पाम पे भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इस टैटू डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, आपको ये टैटू डिज़ाइन की वीडियो कैसी लगी है। मैंने यहाँ पे इन दोनों हार्ट्स के बीच में अपने बच्चों का नाम लिखा है। आप कोई भी लेटर इस पे लिख सकते हैं या एज इट इज़ ऐसे छोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट डिज़ाइन भी हम देख लेते हैं, इसे कैसे बनाना है। सारी डिज़ाइंस मैंने बहुत ही इजी कोशिश की कि बहुत ही इजी हो और काफ़ी ब्यूटीफुल हो, और इस बार मैंने थोड़े बड़े टैटू डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं। आई होप आपको पसंद आए। फ्रेंड्स, आपको टैटू डिज़ाइन की ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और अपने फैमिली, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं किसी लेटर से, किसी नाम से टैटू की डिज़ाइन देखना, तो आप मुझसे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आप किस नाम से या किस लेटर से टैटू देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस लेटर से या उस नाम से कोई अच्छा सा टैटू बना सकूँ, तो वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और ये है मेरी सेकेंड टैटू डिज़ाइन। ये मुझे बहुत ही पसंद आती है। आपको कौन सी टैटू डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट डिज़ाइन भी हम बना लेते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।